क्लास, हमारे पास जो टॉपिक है ये शो हो रहा है, ये हमारे पास है सिग्नल्स, सिग्नल्स एंड इट्स टाइप्स। क्लास, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सिग्नल्स क्या चीज़ होती हैं, व्हाट इज़ सिग्नल्स। बेसिकली ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। अब हम इनको, इनकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज सिग्नल। अ सिग्नल इज एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट दैट इज यूज्ड फॉर कैरिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस और नेटवर्क टू अनदर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी वेव्स हैं, करंट है, जो क्या करते हैं, हमारा जो डाटा होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। या क्या करते हैं, ये हमारे करंट को, डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर लेके जाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो इसके बिहाइंड काम कर रहे होते हैं। जब हमारे पास सिग्नल्स वर्किंग कर रहे होते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं, तो इसके बिहाइंड, इसके पीछे कुछ चीज़ें होती हैं जो वर्किंग में होती हैं। अब उनमें कौन कौन सी हमारे पास हैं, सबसे पहले है कम्युनिकेशन। अब सिग्नल्स के अंदर कम्युनिकेशन किस तरह से वर्किंग करती है कि हमारा जो डाटा होता है वो एक जगह से, हम जो टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे होते हैं या मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। किसकी शेप में? सिग्नल्स की शेप में। अब ये जो डाटा है ये एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करता है तो सेंडर से रिसीवर तक जाता है और उधर से दोबारा फिर रिसीवर से हमें वापस फिर उसकी कम्युनिकेशन मिलती है। जैसे हम लाइव कम्युनिकेशन कर रहे हों या लाइव चैट कर रहे हों, तो दोनों तरफ से हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब ये हमारे पास कम्युनिकेशन किसकी शेप में हो रही है? सिग्नल्स की शेप में। हमारी कम्युनिकेशन कौन करवा रहा है? सिग्नल्स करवा रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास है कंप्यूटिंग। जब भी हमारी कम्युनिकेशन होगी दो डिवाइसेस के दरमियान या दो नेटवर्क्स के दरमियान, हमारा जब डाटा सेंड होता है तो वो कंप्यूटिंग का पार्ट होता है। अब कंप्यूटिंग क्या चीज़ होती है? कंप्यूटिंग हमारे पास कि जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ अटैच कर दें तो उनको हम कंप्यूटिंग भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इसके अंदर, सिग्नल्स के अंदर किस तरह से हमारे पास काम कर रही होती है कि जब भी हमारा जो डाटा या सिग्नल्स पास हो रहे होते हैं वो किसके थ्रू हो रहे होते हैं? नेटवर्किंग के थ्रू। नेटवर्किंग किस तरह से? हमारा कंप्यूटर किसी न किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और उस नेटवर्क के साथ पता नहीं और कितने कंप्यूटर्स अटैच हैं। अब सपोज अगर हमने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है किसी जगह पे, अपने घर के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अंदर हम जितने भी कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करेंगे एक मॉडम के साथ, तो हमारे पास एक सेपरेट नेटवर्क बन जाएगा। अब उसके अंदर जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स अटैच होंगे, डिवाइसेस अटैच होंगी, वो सारी एज ए नेटवर्किंग के तौर पे काम कर रही होंगी। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब जो सिग्नल्स हमारे वर्किंग कर रहे होते हैं इनके अंदर, ये किन के थ्रू वर्किंग कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू। अब इसके एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक कंप्यूटर, ये दोनों साइडों पे हमारे पास कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये एक, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। अगर ये हमारे पास दोनों डिवाइसेस ना हो, एक डिवाइस हो, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं हो सकते। दोनों तरफ से हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी, लाइक मोबाइल टू मोबाइल हो गया, मोबाइल टू कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर टू मोबाइल हो गया, कंप्यूटर टू कंप्यूटर हो गया, अब इस तरह के हमारे पास कंप्यूटर टू प्रिंटर हो गया, इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके दरमियान हमारे पास जो सिग्नल्स पास होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसके बाद हमारे पास सिग्नल कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल। और जो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं वो दो शेप्स के अंदर हो सकते हैं, या तो वो एनालॉग हो सकते हैं या फिर
डिजिटल हो सकते हैं। अब हमारे पास है इसकी टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, अ सिग्नल कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स हैं सिग्नल्स की। अब एक टाइप है हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स की और दूसरी टाइप है हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स की। अब पहले हमारे पास आता है एनालॉग सिग्नल। क्लास एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं हमारे पास? एनालॉग सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं, कंटिन्यूस वर्किंग कर रहे होते हैं। हम इसकी डेफिनेशन के अंदर देख लेते हैं। एनालॉग सिग्नल इज एनी कंटिन्यूस सिग्नल्स फॉर विच द टाइम वेरिंग फीचर्स वेरिएबल ऑफ अ सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड ऑफ सम अदर टाइम वेरिंग क्वांटिटी आई ई एनालॉगस टू अनदर टाइम वेरिंग सिग्नल्स। अब यहाँ पे हमारे पास है कि एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं वो एक कंटिन्यूस शेप की अंदर मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक कंटिन्यूस शेप है कि इसके अंदर ये कभी उतार हो रहा है, कभी चढ़ाव हो रहा है, कभी उतार चढ़ाव, कभी उतार चढ़ाव, इस तरह से हमारे पास ये वर्किंग कर रहे हैं। अब इसके अंदर कंटिन्यूस कौन से हमारे पास है? लाइक हमारे पास ये इसका टॉप लेवल है और ये इसका बॉटम लेवल है। अब ये इसका बॉटम लेवल ज़ीरो से स्टार्ट होता है और ये टॉप लेवल हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे जाके ख़त्म होता है। अब कंटिन्यूस इसकी वैल्यू कौन सी है? ये हमारे पास ज़ीरो वैल्यू है यहाँ पे। अब ज़ीरो से स्टार्ट होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरह से ये कंटिन्यूस होता जाएगा और 0.9 तक चलेगा और फिर 1 होगा और 1 से दोबारा फिर बैक 0.9, 0.8, 0.7 और इस तरह से ये वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 0.1, माइनस 0.2, माइनस 0.3, अब ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये क्लास हमारे पास इस तरह से इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे, हर लेवल पे कंटिन्यूस चेंज हो रही है। अब जैसे कि हमारे पास इसकी रियल लाइफ के अंदर, लाइफ के अंदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लॉक्स यूज़ हो रहे होते हैं घरों के अंदर, हम क्लॉक यूज़ करते हैं, टाइम पीस। अब उसके अंदर क्या हो रहा होता है, हमारे जो पिन्स होती हैं सुई, वो क्या कर रही होती हैं? कंटिन्यूस मूव कर रही होती हैं। अब उसके अंदर सडनली कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, कंटिन्यूस वैल्यू चेंज हो रही होती है। अब इसी तरह हमारे पास इसके बारक्स दूसरी टाइप होती है डिजिटल सिग्नल्स की। अ डिजिटल सिग्नल इज अ सिग्नल दैट इज बीइंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा एज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज एट एनी गिवन टाइम। इट कैन ओनली टेक ऑन वन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। अब जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इसकी कोई कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होती। इसके अंदर हमारे पास डाटा जो होता है वो सडनली चेंज होता है, सडनली वैल्यूज चेंज होती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसका बॉटम पॉइंट है लाइक ये वाला, ये हमारे पास ज़ीरो है और ज़ीरो से ही टॉप सीधा चला गया वन पे और ये वन और वन से सीधा बॉटम ज़ीरो पे गिर गया, फिर वन, फिर ज़ीरो, फिर वन, फिर ज़ीरो, फिर वन, फिर ज़ीरो। अब ये इस तरह से मूव करते हैं, हमारा कंप्यूटर भी इस तरह से मूव करता है कि उसके अंदर हमारे पास बाइनरी नंबर्स के साथ वर्किंग करता है, ज़ीरो और वन के अंदर, और बाइनरी नंबर हमारे पास दो ही होते हैं, ज़ीरो होता है और वन होता है। तो इसलिए ये डिजिटल सिग्नल्स के अंदर ही वर्किंग करता है, ज़ीरो और वन के अंदर, बॉटम पॉइंट इसका ज़ीरो और अप पॉइंट इसका वन, ज़ीरो वन और वन ज़ीरो, ज़ीरो वन और वन ज़ीरो। और इसके बारक्स हमारे पास ये एनालॉग सिग्नल्स है। एनालॉग सिग्नल्स के अंदर क्या होगा हमारे पास कि इसकी वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होती है और वन तक जाती है और इसके बारक्स एवरी पॉइंट हमारे पास मैयर होता है, कंटिन्यूस वैल्यू चेंज हो रही है कि यहाँ से कम हो रही, ज़्यादा हो रही, कम हो रही, ज़्यादा हो रही, ये हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू चेंज हो रही है। और इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट है कि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास
लिमिटेड वैल्यूज़ नहीं होती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, और जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उसके अंदर हमारे पास लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कि हमारी कर्व जो एनालॉग सिग्नल्स की हमारे कर्व है लाइक इस पिक्चर के अंदर कि वो कहीं भी जाके रुक सकती है। अब ये तो यहाँ एंड पॉइंट यहाँ पे आया, ये इससे भी नीचे जा सकती है, ये इससे भी नीचे जा सकती है, ये इससे भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेड वैल्यूज़ नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू है इसकी। जबकि हमारे पास ये डिजिटल सिग्नल्स की इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, इसकी लिमिटेड वैल्यूज़ है। कि लिमिटेड वैल्यूज़ के अंदर क्या होगा, या तो वन होगा या फिर ज़ीरो होगा, इसके अलावा कोई थर्ड वैल्यू नहीं होगी इसकी। जबकि एनालॉग सिग्नल्स के अंदर हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, कोई एक वैल्यूज इसकी नहीं होगी, ना ही इसकी कोई सडनली वैल्यू चेंज होती है। तो ये थे हमारे पास क्लास सिग्नल्स। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। अब ये क्या होते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन, के एक जगह से दूसरी जगह जब हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है, मूव करता है, तो उसके दरमियान इम्पेयरमेंट्स होते हैं हमारे पास, खराबियाँ, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं कि जो हमारा डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं, सेंड होने के दरमियान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से हमारा डाटा लेट सेंड हुआ है, या सही तरह सेंड नहीं हुआ, या सेंड ही नहीं हुआ, कि उसके दरमियान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, व्हेन अ सिग्नल ट्रांसमिट फ्रॉम वन ट्रांसमिशन मीडियम टू अदर, द सिग्नल्स दैट इज रिसीव्ड मे डिफर फ्रॉम द सिग्नल्स दैट इज ट्रांसमिटेड ड्यू टू वेरियस ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। कि जब हमारे पास सिग्नल्स कोई भी डाटा सेंड करते हैं, तो जो सिग्नल्स होते हैं हमारे, वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाते हैं, तो उन्होंने क्या करना होता है कि एक ट्रांसमिशन मीडियम से निकल के दूसरे ट्रांसमिशन मीडियम में जाना होता है, या तो एनालॉग से सिग्नल, एनालॉग से डिजिटल के अंदर, या डिजिटल से एनालॉग के अंदर, या कंटिन्यूस इनको चेंज करते रहते हैं। क्योंकि हमारे पास अब लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम घरों के अंदर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं डिजिटल, वायर के अंदर गए एनालॉग, फिर मॉडर्न के अंदर गया डिजिटल, फिर वायर के अंदर गया एनालॉग, ये इस तरह से हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं वो अपनी जो फॉर्म होते हैं, सिग्नल्स की फॉर्म वो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। अब जब ये चेंज होते हैं कि एनालॉग से डिजिटल में हो गया, फिर डिजिटल से एनालॉग, ये बार बार जब इनको ये अपनी फॉर्म्स शेप्स चेंज करते हैं, तो इसके दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ख़राबियाँ आ जाती हैं। अब वो कौन कौन सी हमारे पास, अब हम इसमें देख लेते हैं कि फॉर एनालॉग सिग्नल्स डिग्रेशन ऑफ सिग्नल क्वालिटी, जब हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं तो इससे क्या होता है हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ सिग्नल क्वालिटी, हमारे जो सिग्नल्स की क्वालिटी होती है वो डिग्रेड होती है, कम होती है। और जब हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास बिट्स एरर आते हैं। बिट्स एरर कौन से होते हैं हमारे पास, जब ज़ीरो और वन्स लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, उसके अंदर कोई एक ज़ीरो या वन कम हो गया तो ये हमारे पास एरर जनरेट कर देगा। अब इसके अंदर जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पेयरमेंट्स होती हैं, ख़राबियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमारे पास है अटेंशन, और दूसरा हमारे पास है डिस्टॉर्शन, और थर्ड पे हमारे पास है नॉइस। अब ये हम देख लेते हैं इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास है अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन के अंदर हमारे पास अटेन्यूएशन रेफर्स टू लॉस ऑफ एनर्जी बाय अ सिग्नल टाइम। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि जब हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे होते हैं, इसके दरमियान जो सिग्नल्स पास हो रहे हैं, उन सपोज़ हम जो डाटा सेंड कर रहे हैं
वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के अंदर है। लाइक हम यहाँ से डाटा सेंड कर रहे हैं किसी और कंट्री के अंदर है। अब इसके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है। अब हमारे सिग्नल्स जो हैं वो हो सकता है कि डाटा को यहाँ से सेंड किसी और कंट्री के अंदर सेंड करते करते अपनी एनर्जी लॉस कर जाए। अब एटीन्यूएशन का मतलब ही बेसिकली ये है कि जो हमारे सिग्नल्स हैं वो अपने टाइम के ऊपर टाइम पीरियड के अंदर डाटा सेंड करने से पहले ही अपनी एनर्जी को लॉस कर दें, अपनी एनर्जी को खो दें। तो उससे क्या होगा, हमारा डाटा के अंदर प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास है, व्हेन अ सिग्नल्स सिंपल और कंपोजिट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इट लॉस सम ऑफ इट्स एनर्जी इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। जब हमारा जो सिग्नल्स होते हैं वो मल्टीपल सिग्नल्स के साथ वर्किंग करके, मल्टीपल सिग्नल्स के साथ क्या, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के साथ जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जब चेंज होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग के अंदर, तो फिर क्या होता है हमारे पास कि उनकी जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। तो उससे फिर क्या होता है हमारे पास, हमारा जो डाटा होता है वो प्रॉपरली तरीके से सेंड नहीं हो पाता। अब जैसे कि हमारे पास इसके नीचे एक पिक्चर दिखाई गई है, पिक्चर के अंदर ये क्या चीज़ है कि ये सिग्नल्स यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके इसने अपनी एनर्जी को लॉस किया हुआ है, और यहाँ से फिर एक पॉइंट के लिए उसने सिग्नल्स को ब्रेक किया और जाके फिर स्टार्ट किए हैं, और फिर यहाँ पे आके उसकी एनर्जी लॉस हो गई, उसने सिग्नल्स छोड़ दिए और फिर यहाँ पे आके। अब जैसे कि हमारे पास इसकी लाइव एग्जांपल हम ले लें कि हम कॉल कर रहे होते हैं, चाहे मोबाइल पे करें या इंटरनेट पे या व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, तो कॉल करने के दौरान हमारे पास क्या होती है, वॉइस कटिंग हो जाती है, कि वॉइस कट हो जाती है, हमें आवाज़ आना बंद हो जाती है, सही तरह से आवाज़ नहीं आती। तो वो हमारे पास क्या होती है, अटेन्यूएशन की प्रॉब्लम हो रही होती है, हमारी जो एनर्जी होती है, जो सिग्नल्स की एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। तो वो फिर क्या होती है, हमारी जो वॉइस होती है वो अटकना स्टार्ट हो जाती है, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। अब उसके बाद हमारे पास है दूसरा है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन मीन्स सिग्नल्स चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप। जब सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहे होते हैं, जब सेंड होने के दौरान वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, शेप को चेंज करने के दौरान उनको ये डिस्टोर्शन की प्रॉब्लम आती है। डिस्टोर्शन कैन अकर इन अ कंपोजिट सिग्नल मेड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ईच सिग्नल्स कंपोनेंट हैव इट्स ओवन प्रोपेगेशन स्पेड थ्रू अ मीडियम एंड देयर फॉर इट्स ओवन डिले इन अराइविंग एट अ फाइनल सिग्नल क्लास। जैसे कि ये नीचे पिक्चर के अंदर हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पे आके इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। जब ये मल्टीपल सिग्नल्स हमारे पास, लाइक ये वाला सिग्नल और ये वाले सिग्नल्स आपस में कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे पास ये कंपोजिट सिग्नल्स इस तरह से जनरेट हो जाते हैं। जब ये कंपोजिट सिग्नल्स बनते हैं तो ये हमारे पास डिस्टोर्शन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसने अपनी क्या किया होता है, जो अपनी शेप है, कंटिन्यूस जो वैल्यू है, जो जिसके अंदर हमारे पास एम्पलीट्यूड, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, वो जैसे ही अचानक से कंपोजिट होके कम फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसके अंदर डिस्टोर्शन की प्रॉब्लम आएगी। अब उसके बाद हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉब्लम है, वो कौन सी हमारे पास है, नॉइस की। क्लास नॉइस क्या होती है हमारे पास,
several type of noise as thermal noise, included induced noise, crosstalk noise, impulse noise may corrupt the signals. अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास नॉइस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कि जब हमारे पास डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा होता है तो उसके दौरान हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की नॉइसिस, शोर, खरा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब वो कौन सी हमारे पास है? सबसे पहले क्रॉस टॉक नॉइस, कि जब हम आप क्रॉस टॉक हो रही होती है, जब हमारे पास लाइव टू लाइव कम्युनिकेशन हो रही होती है, कि जिसके अंदर मल्टीपल लोग कॉन्फ्रेंस के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हों, तो उसके अंदर क्या होती है, नॉइस की प्रॉब्लम आती है। अब जैसे कि हमारी लाइव क्लास क्लास चल रही है, इसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स आपस में के कनेक्ट हैं, जब हर एक स्टूडेंट अपना अपना माइक ऑन कर लेगा तो फिर क्या होगा, क्रॉस टॉक होती है, कि एक बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, फिर थर्ड बोल रहा है, फिर फोर्थ बोल रहा है, कि मल्टीपल पर्सन्स एक टाइम के अंदर जब बोल रहे हों तो फिर क्या होता है, हमारे पास क्रॉस टॉक नॉइस पैदा होती है। और उसके बाद हमारे पास है इम्पल्स नॉइस। अब इम्पल्स नॉइस क्या चीज़ है हमारे पास? ये ऐसे नॉइस है कि एक सिग्नल से हमारे पास डाटा सेंड हो रहा है, एक मीडियम केबल के थ्रू हमारे पास जो डाटा है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस से दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइस तक डाटा सेंड हो रहा है। अब सेंड होने के दरमियान क्या होता है कि बीच में थर्ड जो कंप्यूटर है वो भी इसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, वो क्या करता है, वो बीच में अपना डाटा सेंड कर देता है। इसके अलावा एक और कंप्यूटर अटैच है, वो भी अपना डाटा सेंड कर देता है। अब इससे क्या होता है कि जो हमारा जो सिग्नल्स होते हैं वो करप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि हम लाइक ये एग्जांपल ले लें कि हम किसी जगह पे कॉल कनेक्ट करते हैं, अब हम चलते फिरते चल फिर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं कॉल करते करते, तो इससे क्या होता है, किसी लोकेशन पे अगर हम जाते हैं तो हमारे सिग्नल्स ब्रेक हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, तो हमारी कॉल उसी वक्त ब्रेक हो जाती है या कट जाती है, तो इससे क्या होता है, हमारे जो कॉल होती है वो डिसकनेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो इस जगह पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। या फिर क्या होता है, जब हमारे पास इसकी रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल ये कि पहले हमारे कंट्री के अंदर दहशतगर्दी थी, तो वो फिर क्या करते थे कि किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जैमर को यूज़ कर लेते थे। अब जैमर ने क्या करना होता है कि उस अपनी रेंज के अंदर अंदर जितने भी कंप्यूटर थे या मोबाइल डिवाइसेस थी उनके जो सिग्नल्स थे उनको करप्ट करना था, जैम करना था। अब वो बेसिकली क्या करता है कि वो जो उनके कंप्यूटर सिग्नल्स की जो रेंज होती है उनके अंदर इम्पल्स नॉइस को फेंक देता है, इम्पल्स नॉइस भेज देता है, उससे क्या होता है कि उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो बिल्कुल ही करप्ट हो जाते हैं। जब सिग्नल सारे करप्ट हो जाएं तो फिर क्या होता है, हमारा जो नेटवर्क है वो ख़त्म हो जाता है, वो कनेक्ट नहीं होता। तो जब उसके बिल्कुल ही सिग्नल्स करप्ट हो जाएं तो फिर हमें क्या लगता है कि हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा, सिग्नल्स नहीं आ रहे। तो सिग्नल्स इसी वजह से नहीं आ रहे क्योंकि हमारा जो सिग्नल्स प्रॉब्लम था, नेटवर्क था, वो करप्ट हुआ है, उसके दरमियान क्या आया, इम्पल्स नॉइस जनरेट हुई है। तो क्लास ये थे हमारे पास सिग्नल्स और ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की स्लाइड्स। तो आज के लिए ये हमारे पास इतना ही है कि सिग्नल्स, आज हमने ये देखा है कि सिग्नल्स, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स और इम्पेयरमेंट्स नॉइसेस, इम्पेयरमेंट ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, कि जब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह हम सेंड करते हैं तो उसके दरमियान कौन कौन सी खराबियां या प्रॉब्लम्स आती हैं।